हेलो, आपके सामने एक रेड बटन है। दबा दिया। मजा आया। तो और मेरे भाई लोग, क्या चल रहा है यार? अब देखो भाई, अपना आने वाला है iOS में अपना गेम आने वाला है, और अभी तो फिलहाल पता नहीं कई लोग अपने इंस्टाग्राम पे पहेलियाँ बजा रहे हैं, पता नहीं कौन सा व्हाट्सएप स्टेटस वेट दिखा के। फिलहाल वो सब छोड़ो, अभी आता है अपना एक न्यू क्रिएट, प्रीमियम क्रिएट आया रखा है अपना, तो हम लोग सोचते हैं चलो यार क्यों ना क्रिएट ओपन करते हैं। और देखो मैं यूज़ ही तो नहीं लगा रहा, बस देखो मेरे पास 33 प्रीमियम क्रिएट है, तो इसी को ओपन करेंगे। अब बस अपना iOS में गेम आ जाए यार, फिर तो फिर पूरा कंटेंट ही कंटेंट, और भाई मज़ा ही रहेगा एकदम। डेली वीडियोस भी डालने की ट्राई करूँगा, पूरा ट्राई नहीं, मैं पूरा डेली वीडियो डालूँगा ही डालूँगा। फिलहाल मेरे पास अभी देखो 58 क्लासिक क्रिएट दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो 58 क्लासिक क्रिएट अभी देखना 75 हो जाते हैं, मतलब अचीवमेंट भी कुछ मेरे कंप्लीट होते हैं। तो उससे फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे कुछ सप्लाई क्रिएट थे, तो मैं सोचता हूँ चलो इनको ओपन करता हूँ, यहाँ से भी क्लासिक क्रिएट के कुछ कूपन्स मिल जाएंगे मुझे, और फिलहाल कुछ परमानेंट मिल गया तो यार अच्छी बात है। अब ये वाला जो इमोट आया था, ये मछली वाला, ये जो मिथिक अपना आउटफिट आया है, तो ये बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया, तो मैं सोचता हूँ क्या निकल जाए तो मज़ा आ जाएगा, बट 30 क्रिएट्स में यार कहाँ ही निकलने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे मैं अपना क्रिएट ओपनिंग वापस से चालू करता हूँ। देखो पहले इसको ऊपर टैप करता हूँ, ये मिथिक के ऊपर, और फिर 10 टाइम ओपन करते हैं। अब स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ये सप्लाई क्रिएट तो मैं पूरा नहीं दिखाने वाला, मैं क्रिएट ओपन कर करके मैं इसको बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता हूँ, जिससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट हो। अब ये मिथिक मिलता है, मुझे बहुत सही लगता है। उसके अभी देखो मैं फुल एकदम फास्ट कर दिया हूँ गेम, जिससे कि बोरियत ना हो आपको। अब यहाँ पर ये ओपन करते हैं, यहाँ तक कुछ मिल नहीं रहा था, बट हाँ एक चीज़ मिल रहा था, जो कि क्लासिक क्रिएट का कूपन स्क्रैप्स। अब अपना ये लक अपना 100% हो चुका था, तो कुछ मिलना था मुझे परमानेंट, तो मैं सोच रहा था यहाँ पे बैकपैक मुझे मिल जाए तो ज़्यादा सही है, बट यहाँ पे बैकपैक तो नहीं मिलने वाला था, मुझे पता था लेजेंडरी बहुत मुश्किल से ही देंगे। खैर पैरासूट दे दिया, ये बहुत अच्छी बात है, मेरे पास था नहीं इस आईडी में पैरासूट, क्योंकि ये न्यू अकाउंट में बनाया था। देखो ये न्यू अकाउंट में मैं कॉन्करर इस वजह से किया हूँ, क्योंकि बस मुझे आपको गेम प्ले दिखाना है अपना कॉन्करर का, तो इस वजह से मैं इसमें कॉन्करर किया था। मेरा जो मेन अकाउंट है उसको मैंने BGMI में ट्रांसफ़र कर लिया, इस वजह से मैं उसमें खेल नहीं पा रहा, इस वजह से यार ये सीजन का मेरा कॉन्करर उसमें तो छूट गया, लेकिन हाँ न्यू अकाउंट में इसमें हो गया। खैर कोई बात नहीं, अब देखो यहाँ पे मैं पहला क्रिएट खोलता हूँ, पहला क्रिएट में भाई जो किस्मत लगती है, मतलब अभी तक तो पूरा क्रिएट ओपनिंग एकदम अच्छा जा रहा है, अभी देखते हैं लेट्स सी आगे क्या होता है। यहाँ मुझे पहले क्रिएट में ग्रेनेड की स्किन मिलता है, दूसरा क्रिएट में ओपन करता हूँ, इसमें भाई सिल्वर कॉइन तो मिलना ही मिलना होता है, क्योंकि वो नहीं देंगे तो लगता ही नहीं है ना क्रिएट ओपनिंग कंप्लीट हो रही है अपनी। अब मैं 1-1 करके, मतलब सिंगल करके एक खोलता हूँ, उसके बाद फिर सीधा 10 टाइम खोलता हूँ। और यहाँ तो भाई फर्जी की सारी चीज़ें दे रहे थे। अब मुझे ये कोई हेड गेयर मिलता है, जो कि यार मुझे इतना कुछ खास तो लगा नहीं है, क्योंकि इसको मैं कौन ही पहनाएगा अब इसको। अब इस आरपी में, इस वीडियो में भाई आरपी देखना के लिए कितनी हो जाती है विदाउट रॉयल पास। और यहाँ पे पागलो जैसे एकदम 1-1 टाइप कर रहा था, फिलहाल तो कुछ मिल नहीं रहा था मुझे। यहाँ एक और करके इस तरह से खोलता हूँ, और यहाँ गारंटेड में मुझे देखो क्या मिलता है। अब मुझे मिलता है ये एक बैकपैक, जो कि अच्छा है, क्योंकि इस अकाउंट में तो मेरे पास है नहीं, तो जो ही मिल जाए वो भी सही है। हाँ मेरे मेन अकाउंट में मिलता तो मैं इसको कभी नहीं पहना था, क्योंकि मेरे पास है अच्छा सा। अभी मैं फिर से ओपन करता हूँ यहाँ पे,
ऐसा पूरा 10 बार किया है तो देखते हैं क्या मिलता है। तो ये पता नहीं कौन सा साइबर हेड गियर पता नहीं कौन सा पकड़ा दिया इसको। तो ये हेड गियर तो कौन ही पहनेगा, ये मैं तो नहीं पहनाने वाला फिलहाल कभी। और ये सिंगल टाइम में ये जो आउटफिट मिला ये बहुत सही हो गया, क्योंकि आउटफिट की ज़रूरत है, इसमें है नहीं आउटफिट मेरे पास। और यार इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि जब से मैं इस अकाउंट को बनाया तब से मैंने एक भी नहीं खोला है क्रिएट। और मैंने खोला सिर्फ इस वजह से नहीं जैसे आपको दिखा पाऊँ मैं न्यू क्रिएट ओपनिंग अगर कुछ आती है तो। अब प्रीमियम क्रिएट तो मैं ऐसे खोल रहा था दो चार जिससे मुझे लेजेंडरी आइटम्स मिल जाए, बट अभी अपना मेन मकसद था क्लासिक क्रिएट ओपन करना। अब मेरे बैकग्राउंड से थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी, इस वजह से मैं थोड़ा वॉइस ओवर कम करूँगा। अभी आप लोग मजे लो सिर्फ क्रिएट ओपनिंग के। अब भाई ये पता नहीं क्या होगा, सिर्फ एक बार बस वो घूमा और बाकी पूरे 10 क्लासिक क्रेट एकदम वेस्ट। खैर कोई नहीं, अभी हम लोग फिर से ओपन करते हैं। यहाँ मैं ग्लेशियर को टैप कर रहा था, ये ग्लेशियर लेजेंडरी हो गई मुझे अभी पता चला, अभी 2-4 दिनों पहले जब मैं ओपन किया इसको मुझे नहीं पता था ग्लेशियर लेजेंडरी हो गई है। अभी फिर से मैं 10 टाइम करता हूँ और लेट्स सी क्या होता है। अब यहाँ पे भी कुछ इतना कुछ खास तो मिलता नहीं है। चलो कोई नहीं, अभी भी अपने पास 40 या शायद आई थिंक 50 क्लासिक ग्रेड बचे हैं, तो देखते क्या होता है। अब मैं यहाँ पे एक बार ओपन करता हूँ जिससे, क्योंकि जैसे अपने को ग्रेनेड की स्किन मिली थी क्या पता इसमें भी कुछ मिल जाए। अब यहाँ सिंगल में तो वैसे कुछ मिल नहीं रहा था मुझे, ये पैंट वैंट पता नहीं क्या क्या पकड़ा रहे थे। तो अभी वापस से 10 टाइम करते हैं, वैसे एक और सिंगल कर लेते हैं देखते हैं क्या मिलता है। कुछ नहीं मिला, अभी करते हैं 10 टाइम। यार पांडा की तरह एकदम अनदर 10 वैसे उसकी तरह मेरे पास यूज ही है नहीं कि मैं अनदर 10 इस तरह से करूँ। बहुत मुश्किल से क्लियर सीक्रेट ओपन मतलब कलेक्ट होते हैं, क्योंकि मैं अपना सिल्वर कॉइन सारा उसी में लगाता हूँ जिससे कि कलेक्ट हो और वीडियो बना पाऊँ मैं। ग्लेशियर निकलेगा रुक। अब यार मतलब ऐसी किस्मत भाई, ये डायनमो के कपड़े मुझे नहीं चाहिए, पहले मुझे चाहिए थे तो ये मिलता नहीं था मेरा मेन अकाउंट में, ये मुझे 50 लेवल का अकाउंट हो गया मेरा तब तक नहीं मिला ये। और अभी देखो ये ऐसा मिलता है जैसे सिल्वर कॉइन। अब यहाँ पे मुझे एक पैन मिलता है, पैन की स्किन भी नहीं थी इस अकाउंट में, तो यहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ पैन की स्किन दिया। और तो यार कोई भी कपड़ा वपड़ा, ये फर्जी के कपड़े और ये सार का सिर जो कि शायद ही मैं कभी लगाऊँ, वैसे तो सही है सार का ये हेड गियर। अब मुझे ग्लेशियर या फिर ये कुछ भी दे देता जैसे यूएज है तो ये मिल जाता मुझे तो मज़ा आ जाता। फिलहाल देखते हैं क्या बोलता है, फिर से 10 टाइम ओपन करते हैं। और ये UMP किसकी मिलती है और पैरासूट मिलता है, तो अभी तो देखो मेरे पास कुछ नहीं है तो UMP और ये पैरासूट मिल रहा था मुझे सही लग रहा था, बट हाँ आपके पास होगा तो आपको नहीं सही लग रहा होगा। अब अपना ये क्लासिक क्रिएट अगर देखा होगा मेरा पुराना वीडियो जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था ये क्रिएट ओपनिंग के ऊपर जो फिली क्लासिक क्रिएट खोला था, तो उसमें भी मुझे ज़्यादा कुछ खास मिला नहीं था, मतलब क्लासिक क्रिएट का अपना किस्मत खराब ही आता है मेरे ख्याल से ज़्यादातर।
अभी मैंने पूरे 64 क्लासिक रेड ओपन कर दिए, बट अभी तक मुझे एक भी लेजेंडरी नहीं मिला। और ये अचीवमेंट मेरा कोई कंप्लीट हो उसमें मुझे 10 और ये क्लासिक रेड मिलते हैं, तो देखते हैं अभी क्या मिलता है। अब सिर्फ 10 ही हैं तो मैं सोचता हूँ कि इसको क्या मतलब एक एक करके खोलते हैं, सीधा 10 टाइम खोलेंगे तो मज़ा नहीं आएगा उतना, क्योंकि बहुत मुश्किल से कलेक्ट होता है। तो यहाँ पहला एक ओपन करते हैं विदाउट स्किप, ये स्टिकर्स ही देते रहते हैं वैसे तो, स्टिकर्स पता नहीं क्या ही करते हैं। अब इतना ख़राब लग गया अपना ये क्लासिक रेड में, फिलहाल इसमें तो सही जा रहा था अपना प्रीमियम ग्रेड में, बस इसमें बेकार गया। और यहाँ पे मैं सिंगल एक ट्राई करता हूँ कि क्या मिलता है, क्योंकि सिंगल सिंगल में देखते हैं क्या मिलते हैं। यहाँ 50 सिल्वर कॉइन्स और फिर से 100 सिल्वर कॉइन्स। अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, देखते हैं क्या ही मिलेगा। ऑलमोस्ट 70 तक मैंने ओपन कर दिया बट अभी तक कुछ मिला नहीं। क्या ही किया है, इतना ख़राब होता है। मैं तो कुछ यही कहूँगा कि भाई अगर तुम लोग करना चाहते हो मतलब कलेक्ट करके ओपनिंग तो कर सकते हो, फिलहाल तो कभी कभी मिल जाता है कभी कभी नहीं मिलता है। लेकिन अभी तक मैं जहाँ तक ही किया हूँ तो एक बार मुझे बस ग्लेशियर मिली थी जब मैंने फर्स्ट टाइम ओपन किया था 100 क्लासिक रेड, और अभी तक मैं दो बार किया हूँ 100 क्लासिक रेड बट अभी तक मुझे आज तक कुछ नहीं मिला है। एक लेजेंडरी भी बहुत मुश्किल से देते हैं इसमें। हाँ, प्रीमियम क्रेड की कलेक्ट कर सकते हो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि प्रीमियम क्रेड में गारंटेड रिवॉर्ड्स भी होते हैं, इस वजह से गारंटेड रिवॉर्ड में आपको कुछ ना कुछ तो मिलना ही है, तो उसमें उतना कुछ बुरा नहीं लगता है कि हाँ चलो कुछ तो लेजेंडरी आइटम दिया। बस यार इसमें बुरा लग जाता है क्योंकि अगर 100 क्लासिक ग्रेड कोई माइनस इकट्ठा करता हो कुछ मिलता नहीं तो यार अच्छा तो नहीं लगता है। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, अपन मतलब आपको दिखाते हैं और आप लोग अपना सपोर्ट बरसाते हो यही अच्छा लगता है, तो इस वजह से एक वीडियो को लाइक कर देना और सपोर्ट देख के यार खुद ही अच्छा लग जाता है मुझे। अब इसमें कुछ निकले चाहे ना निकले वो तो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल ये लास्ट एक क्रेट बचा था तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। अब ये एकदम लास्ट क्रेट जिसमें भी सिल्वर कॉइन उन लोगों को दे देते हैं और अपनी आरपी हो गई 48। अब विदाउट रॉयल पास अगर आपकी आरपी इतनी हुई है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, फिलहाल तो मुझे लगता नहीं कि 48 किसी की होगी आरपी विदाउट रॉयल पास। एक ये सप्लाई क्रिएट भी था तो मैं सोचता हूँ चलो इसको भी खोल देते हैं, लगे क्या पता कुछ मिल जाए, बट इसमें भी भाई अपना कुछ ना कुछ तो फंसाते ही हैं फर्जी की चीज़ें। तो बस आज की वीडियो होता है यार, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और जल्दी से अपने 40 के सब्सक्राइब्स कंप्लीट करा दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।